हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल एस एन फूड। तो आज मेरी मम्मा आपके लिए लेके आई हैं कच्चे आम का गुरमा की रेसिपी। हमारे बिहार में तो इसे गुरमा ही बोलते हैं। तो उसके लिए मैंने एक कढ़ाई गैस पे रख दिया, उसमें 2 चम्मच सरसों का तेल डाला है और इसको गरम कर लिया है। अब हम इसमें 1 छोटी चम्मच सौंफ डालेंगे और 4 सूखी लाल मिर्च को ऐसे तोड़ के डाल दें और आम डाल दें इसमें। उसी में ये 3 कच्चे आम हैं, इसको ऐसे लंबा लंबा कट कर लिया है, मिक्स कर लें। इसमें 2 कटोरी पानी डाल देंगे। इसमें हम 1 चम्मच नमक डालेंगे। मिक्स कर दें। अब 6 टुकड़े गुड़ के डालेंगे। अब हम इसमें आटा का घोल डालेंगे। 2 चम्मच आटे को पानी डाल के घोल लिया है वो डाल देंगे, इससे ग्रेवी की कंसिस्टेंसी अच्छी होगी। मिक्स कर दें। अब इसको हमें ढक के 10 से 15 मिनट तक पकाना है। तो गुरमा हमारा हो चुका है, तो अब हम इसे सर्व कर लेते हैं और इसके साथ दोस्ती खाई जाती है। हमारे यहाँ उसको दोस्ती बोलते हैं, बट ऐसे वो डबल लेयर पराठा होता है, 2 लेयर से बनता है, तो वो भी मैं आपको अभी दिखाऊंगी। ये कॉम्बो रेसिपी होने वाली है। तो दोस्ती या डबल लेयर पराठा बनाने के लिए आटे का 2 ऐसे पेड़ा बना लीजिए और उसमें रिफाइंड ऑयल लगा लीजिए। दोनों में अच्छे से रिफाइंड ऑयल लगा लीजिए, फिर इसको निकालने में आसानी होगी ऑयल लगाने से। अब दोनों को ऐसे एक दूसरे पे रख दीजिए और अब हम इसको बेलेंगे। अब इसको बेल लेंगे। अब हमारा गर्म हो चुका है, अब ये पराठे को हम इस पे डाल देंगे। इसको पलट ले। इस पे हम ऑयल लगा लेंगे, रिफाइंड ऑयल। दोनों साइड अच्छे से लगा के सेक लेंगे। पलट ले। पराठा हमारा अच्छे तरीके से सेक चुका है, अब इसको निकाल लूंगी। अब हम इस पराठे को डबल लेयर था उसको हम छुड़ाएंगे। देखिए गाइस, मैंने इसको एक प्लेट में सर्व कर दिया और इसका लेयर्स भी निकाल लिए हैं पराठा का। आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और प्लीज़ गाइज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम बहुत मेहनत कर रहे हैं। आज भी मैंने ये 9th वीडियो मेरा, एक दिन में मैंने 9 वीडियो शूट किया है, तो बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं। प्लीज़ सपोर्ट करिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।